गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं इंग्लिश में विपाशना साइंस एवं टेक्नोलॉजी और हमारे कर्तव्य, अभी का कर्तव्य, अभी कैसे चले, उसके ऊपर एक इंग्लिश में वीडियो बनाया, डिस्कोर्स बनाया, लेक्चर। एंड मेरी एक दोस्त मिस्टर जेना रिक्वेस्टेड मी कि मुझे हिंदी में बोलना है। तो खैर, मैं तो हिंदी भाषी नहीं हूँ, हिंदी जानता हूँ, सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी कुछ त्रुटियाँ रह जाएगी शायद। तो हम आज के प्रस्तुत विपाशना साइंस एवं टेक्नोलॉजी और अभी हमें क्या करना है, अभी दिक निर्देश क्या है, उसके ऊपर चर्चा करें। पहले तो हम समझ ले विपाशना क्या है। विपाशना इस देश में नए तरीके से बुद्ध के बाद सत्यनारायण जी गोयनका इस देश में और विश्व में विपाशना विद्या की अभ्यास की केंद्र खोल के लोगों के लिए विपाशना के द्वार खोल दिए, और स्पेशली ले पर्सन के लिए। ले पर्सन मतलब हाउस होल्डर्स, और उन्होंने हाउस होल्डर टीचर संघ बनाया। इस तरीके से पूरा देश में विपाशना विद्या फैल गया और बाद में विदेशों में भी फैल गया। तो विपाशना विद्या उन्होंने 10 दिन का शिविर में सिखाते हैं, उनकी टीचर संग सिखाते हैं अभी। तो हम देखें कि 10 दिन के शिविर में क्या सिखाते हैं। पहले तो शिविर में एक दिन पहले आना पड़ता है और दोपहर से लेके 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट को आई कार्ड लेके आना पड़ता है, फिर उनको रजिस्ट्रेशन कराते हैं और सारे वैल्यूएबल्स रख दिया जाता है, मोबाइल्स रख दिया जाता है, पेन पेंसिल भी रख दिया जाता है, इसलिए कि उसका ज़रूरत नहीं पड़ता। और रूम अलॉट किया जाता है शाम को, ये विद्याभ्यास शुरू से पहले एक क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या क्या फॉलो करना है, उसके बारे में एक वीडियो और तथा शिक्षक या सीनियर धर्म सेवक एक लेक्चर देते हैं, एक डिस्कोर्स देते हैं। तो उसमें सिखाए जाते हैं कि हमें कोई किसी का, किसी के साथ, कोई भी साधक के साथ बात नहीं करना है, फिजिकल जेस्चर से भी नहीं। खाली जो शिक्षक है और धम्म सेवक है, शिक्षक का असिस्टेंट, उनके साथ बात हो सकता है, वो भी प्रयोजन के लिए, जस्ट प्रयोजन, नहीं तो बात ना करना ही समीचीन है। और ये 10 दिन शील सदाचार पालन करना है, और कोई विद्या इसमें जोड़ना नहीं है, कोई भी विद्या 10 दिन को इसको अब आजमाना है। धम्म हॉल में कोई सीट में, खुद का ही सीट में बैठना है, कोई भी सीट में ऐसा नहीं बैठ सकते, सब में नंबरिंग होता है और उस हिसाब से अपना नंबर का सीट में हमेशा बैठना है, और कोई दूसरे का सीट के ऊपर पैर भी नहीं रखना है। तो ये हुआ
मोरलेस नियम। और मेन बात तो विपासना में सिखाया जाता है शील सदाचार। शील सदाचार का मतलब ये है, जो बेसिक है, प्राणी हत्या ना करना। यहाँ पे कोई प्राणी हत्या की गुंजाइश नहीं है। आपको निरामिष भोजन दिया जाएगा, और दूसरा आपको सावधानी बरतना है, किसी को मारना नहीं है, कोई भी प्राणी। और फिर किसी का कोई वस्तु नहीं लेना है नाम बोल के, तो वो भी यहाँ पे कोई वैल्यूबल्स नहीं रहेगा, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। और तीसरा है कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट करना नहीं है। तो यहाँ पे पुरुष का अलग और फीमेल का अलग जगह रहते हैं, उसमें बाउंड्री रहते हैं, और जो साधक है वो बाहर जा नहीं सकते हैं। और इसीलिए ये भी पालन हो जाता है। और तीसरा, झूठ बोलना। झूठ बोलने का जो बीड़ा उठाते हैं हम लोग बहुत बात करते हैं, तो बात में थोड़ा सा ज़्यादा काम कर देते हैं हम लोग, तो उसके लिए ये बात करने का ही बंद किया जाता है। तो इसको नोबल साइलेंस बोलते हैं। उसके बाद नशा पता, यहाँ पे नशा पता का गुंजाइश नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। तो ये पांच शील हम लोग पालन कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट होता है, ये शील पालन इसलिए है कि खुद का कैरेक्टर का रक्षा करना, खुद का चारों तरफ में एक शील्ड बनाना। और उसके बाद आता है आनापान, मतलब श्वास प्रश्वास को, ये नाक के दरवाजा पे, नाक के दो दरवाजा है और ऊपर वाला होठ का हिस्सा है, ये त्रिकोण हिस्सा में, यहाँ पे हम सांस को ऑब्जर्व करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, आंख बंद करके जाते हुए आते हुए सांस को। बट इसमें कोई मंत्र या कोई भी इमेजिनेशन नहीं लाना है, और प्राणायाम भी नहीं लाना है। ये तीनों चीज़ इसको थोड़ा सा इम्प्योर बना देता है, हमारा ध्यान भटका देता है। तो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ये सारे लोग कर पाएंगे, सारे धर्म के लोग कर पाएंगे ऐसा, तो सबके लिए समान हो। तो इसीलिए इसमें कोई भी दूसरा चीज ऐड करना नहीं है, नॉर्मल नेचुरल प्योर ब्रीथ। हाँ, नॉर्मल और स्वाभाविक और शुद्ध ये ब्रीथ हमें, ये श्वास प्रश्वास हमें देखने के अभ्यास करना है। ये सारे 3 दिन हम अभ्यास करते हैं। हमारा दिन का शुरुआत क्या होते हैं, वो दिन का शुरुआत 4 बजे, सुबह 4 बजे होते हैं। और 4 बजे के बाद नहा या हाथ पाँव धो के, साफ हो के, ड्रेस पहन के हम धम्म हॉल में आते हैं, और 4:30 बजे से 6:30 बजे ध्यान करते हैं। बाद में शिक्षक जो है दूसरा सेल में भी जाने के लिए इजाज़त देते हैं, या कभी कभार रूम में बैठ के भी ध्यान करने का इजाजत देते हैं। और शिक्षक जो कंडक्टिंग टीचर है उसके ऊपर है। तो ये 6:30 बजे से 8:30 बजे तक हम नाश्ता या ब्रेस्ट वगैरह लेते हैं, और उसके बाद फिर 8:30 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा 1 घंटा के 6 सत्र में, या जैसे टीचर सोचते हैं उसी सत्र में हम ध्यान करते हैं। फिर 11 बजे जो है खाना खा के हम रेस्ट लेते हैं। फिर टीचर के साथ 12 बजे हम बात कर सकते हैं। हाँ, 10-15 मिनट का समय रहता है टीचर के, स्टूडेंट्स का कोई प्रॉब्लम होने से उसको निवारण करते हैं, उसके समाधान देते हैं। और उसके बाद फिर 1 बजे से हमारा ध्यान शुरू होता है 5 बजे तक, उसमें भी समय सीमा 1 घंटा 1 घंटा का ही है। फिर कुछ कुछ सत्र है थोड़ा अलग ढंग से चलते हैं, स्पेशली जो हमारा अधिष्ठान होते हैं 2:30 बजे से 3:30 बजे होता है, तो टीचर बताएंगे। फिर 5 से 6 नाश्ता करके, शाम का नाश्ता होता है, नाश्ता करके 6 बजे फिर से ध्यान। फिर 7:10 पे गुरु जी का प्रवचन वीडियो ऑडियो द्वारा, उसमें सारे समाधान एक जनरलाइज्ड सबके लिए बहुत सालों का अभिज्ञता से
जाना हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उसके ऊपर गुरु जी बताते हैं, और क्या क्या आने से क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत इफेक्टिव प्रवचन होते हैं। फिर जो है 15 मिनट का ध्यान होता है, 8:30 बजे तक, करीब 1 घंटा 30 मिनट का होता है, सत्र होता है 8:30 बजे से, 8:45 से फिर ध्यान 9 बजे तक। फिर गुरु जी अवेलेबल रहते हैं, कोई भी उनके साथ जो हमारा टीचर है, टीचर अवेलेबल रहता है और उनके साथ बात करने के लिए स्टूडेंट अलाउड है फ्यू मिनट्स के लिए, 15-20 मिनट के लिए। फिर 9:30 बजे तक लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और फिर ऐसा करके दिन चलता है। तो ये 3.5 दिन हम नाक के दरवाजा पे सांस को महसूस करने का कोशिश करते हैं, उसमें मन शांत हो जाते हैं। ये यूनिवर्सल शब्द में आके मन शांत होता है धीरे धीरे और बहुत बैलेंस और शार्प हो जाता है। अभी इसके बाद 4th डे का 2nd हाफ में विपस्सना दिया जाता है, 2 घंटा सेशन रहता है। ये सर का पहले संवेदना देखने के लिए बोलते हैं, सर से लेके टॉप ऑफ द हेड से लेके सारा शरीर में कोई भी अंग बाकी नहीं रहा है, एकदम हाथ पैर अंगुली तक धीरे 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 समस्त शरीर का संवेदना देखने के लिए स्टूडेंट को बोला जाता है। स्टूडेंट वो करते हैं और स्टूडेंट देखते हैं जे संवेदना अनित्य स्वभाव वाला है और वाइब्रेशन जैसा है, शरीर में कोई ठोसपन नहीं है, कोई सॉलिडिटी नहीं है, तो ये स्टूडेंट महसूस करते हैं। ये 10वें दिवस का सुबह तक ये अभ्यास चलता है निरंतर, और ये अभ्यास करने से स्टूडेंट डायरेक्ट अभ्यास से प्रकृति का नियम का ये सत्यता जान लेता है कि सारी चीज़ परिवर्तनशील है, वाइब्रेटिंग और रेडिएटिंग, वाइब्रेटिंग एंड रेडिएटिंग, उपज्जति निरुज्जति, ऐसा वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ जानते हैं। उससे प्रज्ञा उत्पन्न होता है। प्रज्ञा क्या है कि हमारा शरीर हम नहीं है, अगर इसके प्रति हम चिपकाव करेंगे हमारे दुख को आने वाला है, और मन भी फ्रजाइल है, वो भी हमारा हम नहीं है, उसके ऊपर हम अगर सोचते हैं कि वो हम हैं तो हमें ये दुख मिलने वाला है। तो ये हम छोड़ने का, ये जो त्याग करने का स्थान में आ जाते हैं, यही प्रज्ञा है। और इससे हमारा पूर्वज क्रोध ग्रीड काम ईगो अहंकार बेहोशी ये कम होता जाता है। जितना जितना हम देखते रहते हैं, उतना कम होता जाता है। और 10वें दिन का सुबह जो है एक और विद्या सिखाई जाती है, उसको मंगल मैत्री का साधना भी बोलते हैं और पुण्य वितरण के साधना भी बोलते हैं। हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं, सारे प्राणी के लिए बंधु सबके लिए हम मंगल कामना करते हैं, सारे प्राणी सारा विश्व का प्राणी सब सुखी हो, ऐसे भावनाएं पैदा करते हैं। और उसके बाद ही हमारा जो है मैत्री के बाद हमारा नोबल साइलेंस ब्रेक होता है, लेकिन हमारा धम्महल में और जो धम्महल के आसपास जगह है शांति पठार, इसमें कोई फिर से वही लागू रहता है। खाली स्टूडेंट्स हमारा जो छात्र हैं वो अपना आवास स्थल या ऑफिस एरिया में बात कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। तो ये 10 दिन में यही विपस्सना सिखाए जाते हैं और लोगों का क्रोध काम अहंकार बेहोशी कम होने। अभी हम साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस के जो मॉडर्न साइंस है, एकदम मॉडर्न साइंस हम जो है उसके ऊपर बात करते हैं कि
आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से शुरू करते हैं। तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मतलब एनर्जी इज इक्वल टू मेटेरियल का मास मेटेरियल इनटू लाइट का स्पीड का दोगुना स्क्वायर। सो ये बताते हैं कि पदार्थ जो है मटेरियल जो है वो एनर्जी से बना हुआ है, वाइब्रेशन से बना हुआ है। ये आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, इनका थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी, उस वाइब्रेशन थ्योरी, एन थ्योरी, मेम्ब्रेन थ्योरी, उसमें ये बताए जाते हैं कि सबएटॉमिक पार्टिकल में जो गोला होते हैं, स्फीयर होते हैं, उसमें एनर्जी रहते हैं और कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वो फ्लक्स में रहते हैं। तो उसके मतलब ठोस जो स्थूल दृष्टि से हम मैटर देखते हैं और जैसे हम सूक्ष्मतात्म में आते हैं तो वो हम एनर्जी को देख पाते हैं। ये जो हम अंदर में हमारे संवेदना के सहारे जो देख रहे थे वो हम एनर्जी को देख रहे थे। तो इसलिए बुद्धा ये अनुभव करके बोलते हैं सब लोको प्रकंपितो सब लोको पज्जलितो, मीन्स सारे लोग सारे चीज़ें प्रकंपन से बना हुआ है और ये रेडिएट कर रहा है। तो यही चीज आज की मॉडर्न साइंस, द लेटेस्ट साइंस, स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी यही बोलते हैं। लेकिन साइंस जो है बहिर्मुखी साइंस है, बहिर्मुखी शब्द को अनुसंधान करता है और विपश्यना अंतर्मुखी होके अंदर के जो है वो मन से देखने का प्रयत्न करते हैं हमारे खुद के अंदर क्या हो रहा है। सो ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक ही शब्द पे आते हैं। एक में साइंस में हमारा बुद्धि विकसित होता है और बुद्धि के साथ हम टेक्नोलॉजी विकास करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी। आज के डेट में ये क्वांटम मैकेनिक्स इसके ऊपर बेस करके स्ट्रिंग थ्योरी है, इसके ऊपर सारे बेस करके सारे टेक्नोलॉजी है, सारे टेक्नोलॉजी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सारे क्वांटम थ्योरी से बना हुआ है। और अभी तो क्वांटम कंप्यूटर तक बन गए हैं, एंटेंगल बोलते हैं उसके ऊपर बेस करके नया तरीका सा कंप्यूटर बन रहा है। तो ये जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये तरह तरह का प्रोडक्ट बना दिया हमारे लिए, कितने सारे प्रोडक्ट है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी के कमाल है। तो ये प्रोडक्ट हमारे सुविधा, हमारे एनहेंसमेंट, हमारा स्ट्रेंथ को एनहेंस करते हैं, एनहेंस करते हैं, हमारा डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे को एक चीज़ और देते हैं वो है स्ट्रेस। ये टेक्नोलॉजी हमें सारा सुविधा के साथ स्ट्रेस देते हैं। तो क्या हम टेक्नोलॉजी का साइंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे? हम दुखी हो जाते हैं इनके यूज़ से। आज के सबको पता है जो हम सोशल मीडिया के जो अभी कर रहे हैं इससे कितने लोग प्रभावित हैं, सारे जैसे मतलब इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, सारे मोबाइल देखते रहते हैं, बात कम करते हैं दोस्तों के साथ, ये भी एक फेनोमेना है। तो अभी हम करें क्या, करें क्या? ये हम डिफरेंट जो लाइफस्टाइल डिजीज आ रहे हैं, स्ट्रेस के कारण आ रहा है, शुगर, प्रेशर, हाँ, ये सब, तो हम कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़ने का हमें कैसे करना है? तो आगे बढ़ने के लिए जैसे हमने बताया अभी
विपश्यना से हमारा क्रोध, बेहोशी, अहंकार जाता है। तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज नथिंग बट वेरी एवर्शन, स्मॉल एंगर, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, जो एक्यूमुलेट हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है मन में और धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका सलूशन यही है कि हम ये स्ट्रेस को हर दिन निकाल दें। हम अगर 10 दिन का विद्या सीखेंगे, विपश्यना विद्या, और हर दिन 1 घंटा 2 घंटा इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे सारे तनाव दूर हो जाएंगे। हर दिन तनाव हम बाहर निकाल लेंगे और नए तरीके से, नया उद्यम से हम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लग जाएंगे और सारे काम में लग जाएंगे। हमारे काम बहुत अच्छा होगा, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि हमारा वे फॉरवर्ड यही है कि हम टेक्नोलॉजी और साइंस को नकार नहीं सकते, हमें तो उसके साथ रहना है। और साथ रहना है तो वो जो बाई प्रोडक्ट देते हैं उसको ठीक करने के लिए विपश्यना का इस्तेमाल करना है। और हम पीसफुल, और साइंस टेक्नोलॉजी हमें देते हैं प्रॉस्पेरिटी, तो हम दोनों मिलेंगे साथ में, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, वो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो देन इट विल बी विन विन सिचुएशन, तब ये विन विन, हाँ, दोनों का मतलब जीत का एक सिचुएशन पैदा होगा। अभी स्टूडेंट लोग, आप लोगों का जो कहना होगा कि हमें 10 दिन का समय मिलता नहीं है, कैसे जाएंगे, बहुत सारे होमवर्क रहता है, ये रहते हैं, सारे चित रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, 10 दिन निकालना तो बड़ा मुश्किल है। तो और अभी उसका एक बीच का रास्ता हम निकाल सकते हैं। बीच का रास्ता क्या है कि पहले तो विश्वास हो कि ये विद्या काम करेगा, तो इसका एक फर्स्ट स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप लेने से अगर वो काम करता है, अगर वो विश्वास दिलाता है कि हाँ ये तो अच्छा है, बहुत हमारे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वो विश्वास दिलाएगा। तो इसके लिए हम जो है स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप आनापान से शुरू करिए। आनापान 10 मिनट 20 मिनट हर दिन सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने से आपको बहुत उपकार होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा सा शांति मिलेगा, आपका एंगर मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको होने वाला है। तो 10 मिनट का कैसे करें, 10-15 मिनट कोई भी हमारा जो ये वीडियो देख रहे हैं, कोई का जिन्हें हमारा गुरु जी सत्यनारायण जी गोयनका ने, उन्होंने गोयनका जी ने एक छोटा सा मास मिनी आनापान, सबके लिए आनापान के लिए एक वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, वो भी देख ले। और मैं उसका एक सार मर्म बता देता हूँ, वो आप सुन लें। तो पहले हम क्या करेंगे, सीधा बैठेंगे और मेरुदंड को सीधा रखेंगे, और हमारा जो है एनक निकाल लेंगे। एनक का जरूरत नहीं, इसलिए कि हम अभी आइस को क्लोज करने वाले हैं। आइस को क्लोज करके, बंद करके जो है हम मन को, ये जो नाक के दरवाजे हैं, दो दरवाजे हैं, और ऊपर वाला होंठ का जो ये हिस्सा है, ये जो त्रिकोणा हिस्सा है, वहाँ पे हम देखने की प्रयत्न करेंगे, हम महसूस करने की प्रयत्न करेंगे। तो इसमें पहले मन आएगा नहीं, इसलिए कि हमारा मन कंडीशन्ड है सोच विचार के। ये कभी पुराना सोच में जाता है या कोई भविष्य का सोच में जाता रहता है, ये हम तुरंत नोटिस करेंगे। वो
सोच विचार में जाना चाहेगा, लेकिन हमारा काम है उसको बार बार बहुत आदरपूर्वक इस जगह में लाने। भटक जाएगा फिर लेके आइए। और दूसरा, सांस बाएं नाक से भी जा सकता है, दाएं नाक से भी जा सकता है, और दोनों नाक से भी जा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल जैसा है वैसा। हम कोई प्राणायाम नहीं करेंगे, हम कोई कल्पना नहीं करेंगे, सांस का भी कल्पना नहीं करेंगे, रियलिटी में देखना है सचमुच में टकरा रहा है, उसमें कोई संवेदना पैदा कर रहा है, उसको देखना है, उसको जानना है। सो ये चीज जो सांस छोटा हो बड़ा हो, बाएं नाक से हो दाएं नाक से हो, तो उसको बार बार हम जानने का प्रयत्न करेंगे। मन भटक जाएगा फिर लाना है, फिर भटक जाएगा फिर लाना है, ये बार बार प्रचेष्टा करना है। ये बार बार प्रचेष्टा से हम कामयाब होंगे, हम थोड़ा थोड़ा कामयाब होते जाएंगे, कामयाब होते होते हम मन का मालकियत हासिल करेंगे, मास्टरी हासिल करेंगे धीरे धीरे। ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा, बार बार प्रयत्न से हम जो है ये कर पाएंगे। हम ये करीब 10 से 15 मिनट करता जाएंगे, बार बार प्रयत्न करेंगे और बार बार शरीर को सीधा करते रहेंगे, इसलिए कि शरीर जैसे ही थोड़ा ये होगा अच्छा लगेगा, इसलिए कि ये आपको शांति दिलाएगा, एक सुकून सा दिलाएगा, उसमें थोड़ा झुक जाता है शरीर तो झुक जाता है, उसको फिर सीधा करना है, हमें ये अलर्ट में रहना है, हमें सजग रहना है। तो बार बार ऐसा ये करने का प्रयत्न करते हैं, करते 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 हम जो है धीरे धीरे मास्टरी हासिल करेंगे। और 10-15 मिनट के बाद ये विद्या से हमारा मन थोड़ा शांत होगा, हमें थोड़ा शांति महसूस होगा, थोड़ा सुख महसूस होगा, तो हम सबके लिए मंगल कामना करेंगे। 1-2 मिनट ये सबका मंगल हो, सबका मंगल हो और मेरा भी मंगल हो, ऐसा शुभकामनाएं करेंगे। और सुबह शाम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये विद्या को हम जो है कंपास भी कहते हैं। हम कहाँ आ रहे हैं कि हम जो यूनिवर्सल सच्चाई है उसमें आ रहा है, इसमें कोई हम कुछ जोड़ा नहीं, कोई प्राणायाम नहीं जोड़ा, कोई मंत्र नहीं जोड़ा और कोई कल्पना नहीं जोड़ा। जैसा है प्राकृतिक सांस ऐसा ही उसको दर्शन कर, और मैं मेरा सांस करके नहीं, जैसा थर्ड पार्टी ऐसा हमने उसको दर्शन करने की, उसको महसूस करने की प्रयत्न किया। और ये काम सबके लिए समान है, कोई भी जाति, कोई भी वर्ण, कोई भी गोत्र, कोई भी हो इंसान, सारे इंसान के लिए समान है। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ कोई गलत दिशा देगा नहीं। तो हम समुद्र में जो कैप्टन जाते हैं तो उनके पास शिप चलाने के लिए एक कंपास रहते हैं, दिक निर्देशक यंत्र। कंपास नहीं है तो दिक भटक जाता है। ऐसे ही हम ये भव संसार में हम खुद एक बोट है, और हमारे पास भी कंपास होना जरूरी है, नहीं तो भव संसार में किसके कहाँ पे कैसे टकरा जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए ये विद्या आनापान शति या आनापान मेडिटेशन बहुत काम में आएगा, बहुत ही काम में आएगा। ये आपका कंपास का काम करेगा। जैसे ही कोई क्रोध आया, आप शांत करने के लिए सांस देखिए, मन शांत हो जाएगा, आपका सांस शांत हो जाएगा और क्रोध चला जाएगा।
वैसे ही कोई मन में लोभ आया, सास दिखी है, तो आपका लोभ शांत हो जाएगा, इसलिए कि सास का गति स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये करने से आपको डिसीशन, अगर कोई डिसीशन लेना है तो कुछ देर सांस पे ध्यान रखिए, आनापान कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए, देखिए आपको एग्जैक्ट परफेक्ट डिसीजन आएगा। और इससे एक चीज़ और होगा, जैसे आप सच्चाई के साथ रहेंगे तो रहना सीख जाएंगे, तो आपको डर नहीं होगा, किसी का भी नहीं डर होगा, तो आप टीचर से बहुत शांत तरीक़ा से, सही तरीक़ा से बात कर पाएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई किसी के साथ कोई इंटरव्यू में जाना है या कोई बड़ा लोगों से मिलना है, तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको स्टेज में कुछ परफॉर्म करना है तो आपको कुछ होगा नहीं, आपका डर नहीं होगा। तो ये और एक चीज़ है, आपको तो शांति तो मिलेगा ही, साथ साथ मन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, आपका काम अच्छा होने लगेगा, बहुत ही अच्छा होने लगेगा। और ये चीज़ आपको विश्वास दिलाएगा कि 10 दिन का विपासना केंद्र में जाना है, क्योंकि वहाँ पे 3.5 दिन तो ये आनापानी कराते हैं, तो उससे कितना बड़ा लाभ होने वाला है, और उसके बाद विपासना, और उससे और अधिक लाभ होने वाला है। सो ये आनापान 10 मिनट 15 मिनट हर दिन सुबह शाम करने से ये विद्या जो रिजल्ट सचमुच में देता है, ये विश्वास आपको दिलाएगा। तो इसीलिए आप आनापान से शुरुआत कीजिए और आपका रिजल्ट अच्छा कराइए, आपका जो खेल कूद उसमें भी अच्छा परिणाम आने वाला है, और आपका रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट आने वाला है। तो दोस्तों, तो ये है हमारा साइंस टेक्नोलॉजी और विपाशना। ये साइंस टेक्नोलॉजी के साथ हमें विपाशना जोड़ना है, हमारे हर दिन के साथ ये जोड़ना है। ये जोड़ने से हम जो है, हम प्रॉस्पेरिटी तो लाएंगे, प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ हमारे शांति सुख भी रहेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हम जिंदगी को अच्छा से जी पाएंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कहीं जगह पे कोई भी थोड़ा प्रॉब्लम लगता है और मुझे लिख के जरा बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है बेहतर करने की प्रयत्न करूँगा। सो दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसे ये लगा आपको, और कैसे इस लेक्चर की, इस डिस्कोर्स की हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को अशेष धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत समय निकाल के और मनोयोग से मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको